नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए सतना जिले के ग्राम पंचायत भमराहा सरपंच सचिव की ओर से ग्राम में साबुन, मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ क्वारंटीन किए गए प्रवासी लोगों में भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था की गई। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सतना जिले के जनपद पंचायत रामनगर अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत भमराहा सरपंच सचिव के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए गए। ग्राम में मास्क, सैनिटाइजर व साबुन के वितरण के साथ क्वारंटीन किए गए प्रवासी लोगों को भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था की गई। मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित इस पंचायत में सहयोग से मार्ग से आवागमन करने वाले प्रवासी जनों के सेवा शिविर चलाकर भोजन, पानी इत्यादि का बेहतर इंतजाम किया। वर्तमान समय में इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य निर्माणाधीन है, साथ ही मेंट बंधान सहित अन्य विकास कार्य निरंतर जारी है। वही रोजगार सहायक को इस कोरोना की जंग में मध्य प्रदेश सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के सतना जिले में। सतना जिला में ग्राम पंचायत भमरा रामनगर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे रोजगार सहायक, सरपंच, सेक्रेटरी। हम जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत भमरा में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आश्रय कुशवाहा है, ग्राम पंचायत भमरा सचिव हूँ। यहाँ मैं 5 वर्ष से पदस्थ हूँ, कार्यरत हूँ। पंचायत क्षेत्र में जो है हमारे यहाँ कुछ सार्वजनिक काम जैसे PCC रोड, नाली निर्माण कार्य और बाउंड्री का निर्माण कार्य, और इसके बाद कुछ पंचायत भवन जैसे सामुदायिक भवन हो गया, ई कक्ष हो गए, और फिर हितग्राही मूलक कार्य जैसे हो गए, PM आवास हो गए, कुछ समग्र स्वच्छता से संबंधित हो गए, शौचालय का निर्माण कार्य ये करवाया गया है मेरे द्वारा। और हमारे बीच में जो सरपंच साहब हैं, GRS हैं, सचिव हैं, हम आपस में हमारे लोगों का अच्छा संबंध है। आज तक कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ और अच्छे तरीके से यहाँ पर पंचायत क्षेत्र का कार्य भी संचालित है, और ग्रामीण जनता भी जो है हमारे हम लोगों के पक्ष में आज तक कोई किसी प्रकार की गलत आवाज़ नहीं उठाई। सेक्रेटरी साहब, हम जानना यह चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात हमको यह दिखी है जी कि यहाँ पे जो आपके सरपंच के प्रतिद्वंदी थे जी, जो सरपंच के प्रतिद्वंदी थे उनका क्या नाम है? रामलाल, उनसे हम बात करना चाहेंगे जी। ठीक है सर, ओके। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत भमराहा में सरपंच के जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे हमारी बात हो रही, वर्तमान सरपंच जो हारे हैं उनसे मेरी बात हो रही है कि यहाँ पे विकास कार्य कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल कोल है सर। रामलाल जी, आप यहाँ पे ग्राम पंचायत में आप चुनाव लड़े थे जी सर, तो आपने किससे आपने कितने वोटों से हारे? मैं जो वर्तमान में सरपंच है उनसे लगभग 150 वोट से हारे। 150 वोट जी। कैसे अभी जो सरपंच यहाँ जीत के आए हैं पिछले 5 साल पहले, कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, यानी पिछले जितने सरपंच थे उनसे बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। आवास मिला है? अभी नहीं मिला है सर। कब मिलेगा? बोले हैं कि अगले बार आपका ही चांस है। अच्छा, अगली बार आपका ही चांस है जी सर। क्या नाम है आपका? बच्चूलाल कोल। बच्चूलाल जी, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ चल रही? जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही है? हर सुविधाएं मिल रही है सर, जैसे PM आवास, पानी की सुविधा, सही है। हाँ। और मनरेगा का काम भी चालू है, PM आवास हमको नहीं मिले, मेरे चाचा जी को मिल रहा है, तो उसमें मैं काम में ही लगा हूँ। अब यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है सरपंच जी से। हम जानना यह चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपके बाहर से इस कोरोना काल में बाहर से मजदूर भाई हमारे आए हैं आपके ग्राम पंचायत में, उनको कैसी व्यवस्था आप दे रहे हैं, सुविधा कौन सी सुविधा दे रहे हैं उनको? हमने उनको रुकने के लिए एक स्कूल खुलवाया था सर, और उनको क्वारंटाइन कम से कम 15-15 दिन किया। उनका जो खर्च पर्चे होता था हम लोग अपने करते थे, सभी ऐसा करके रखते थे सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। राशन की व्यवस्था कैसे हुई उनकी? राशन की व्यवस्था हम लोग सेक्रेटरी हैं और कुछ गाँव वाले मदद करके ऐसे उनको देते थे। यहाँ पे हम मिलना चाहेंगे रोजगार सहायक जी से यहाँ हमारी बात हो रही। क्या नाम है आपका? जी, मैं दीपक तिवारी जी। आप जैसे आपके पास कोई हितग्राही आता है, किस तरह से उसको आप संतुष्ट करके यहाँ से भेजते हैं?
मान लीजिए कोई आधार फीडिंग कराना है, किसी को खाद्यान्न नहीं मिल रहा, किसी को आधार फीड कराना है, तो किस तरह से उसको संतुष्ट करा के आप भेजते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि आपके ग्राम पंचायत बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है, बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे, तो भाई आपका भी अच्छा कार्य होगा। जब अभी आप पधारे उसके पहले आधार फीड ही कर रहे थे हम। अच्छा, कुछ लोगों की सूची हमारे यहाँ 212 लोगों के फूड की उसमें आई है, उसको अपडेट कर रहे थे, तो लगभग हमारे यहाँ खाद्यान्न हर किसी को मिल रहा है। अच्छा, अब कौन है यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर? कौन है फूड इंस्पेक्टर? जड़िया जी थे, वो सतना से अब साथ चेंज हो गए हैं, रीवा के रहने वाले हैं जड़िया जी, परिहार जी, 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 कोई जी, बात नहीं है। फूड विभाग के जो अधिकारी, उनका सपोर्ट आपको मिलता है? जी हाँ, बात फोन करते हैं, बात होती है हमारी, उनकी समस्या आती है वही क्लियर करते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं पहुंचा था ग्राम पंचायत भमराहा में, रामनगर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भमराहा जिला सतना मध्य प्रदेश में। ये ग्राम पंचायत बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे सभी हितग्राहियों को टाइम से खाद्यान्न भी मिलता है, जैसा कि रोजगार सहायक जी ने बताया कि यहाँ हितग्राहियों को खाद्यान्न भी मिलता है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।